बिकनी में भदी लगती हैं बॉलीवुड की ये दस एक्ट्रेस, एक ने तो पहनी ही छोड़ दी। बॉलीवुड का स्वरूप पहले से बहुत ही बदल चुका है। जहां एक तरफ एक्टर्स अपने सिक्स पैक एब्स दिखाने की दौड़ में शामिल हैं, तो वहीं एक्ट्रेस फिल्मों में बिकनी सीन देकर फिल्मी पर्दे पर आग लगा रही हैं। लेकिन इस बीच बात करेंगे बॉलीवुड की उन दस एक्ट्रेस की जो बिकनी में बिल्कुल भदी दिखती हैं। इनमें से कुछ ने तो बिकनी सीन करने से मना ही कर दिया है। इस कड़ी में पहला नाम लेना चाहेंगे एक्ट्रेस आलिया भट्ट का। आलिया की क्यूटनेस का तो हर कोई दीवाना है और हर ड्रेस में वे खूब फपती हैं, लेकिन जब बात आती है बिकनी की तो उनकी सुंदरता कम लगने लगती है। कुल मिलाकर कहें तो आलिया बिकनी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। कैटरीना कैफ बॉलीवुड की टॉप की एक एक्ट्रेस हैं और उनके डांस और गुड लुकिंग पर कई फैंस फिदा हैं। यहां तक कि लड़कियां उनके फैशन ट्रेंड को कॉपी करने में पीछे नहीं रहती हैं। कैटरीना हर फिल्म में नए लुक में नजर आती हैं। लेकिन बिकनी में उतनी टीआरपी नहीं मिलती जितना कि फिल्मों में साधारण ड्रेस में वे हिट हो जाती हैं। सोनम कपूर की पिछले महीने मई में उनके बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से शादी हो चुकी हैं और 1 जून को उनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग रिलीज हुई है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बात करें सोनम कपूर की बिकनी सीन की तो उन्होंने खुद ही इस बात का खुलासा किया था वे बिकनी में अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए सोनम कभी भी पर्दे पर बिकनी पहनना पसंद नहीं करती हैं। एक ड्रेस काजोल 90 के दशक से अभी तक हिट होती आ रही हैं। इस दौरान उन्हें फिल्मों में बेहद साधारण रोल में ही देखा गया है। काजोल को बहुत कम फिल्मों में बिकनी सीन देते हुए देखा गया है। सुपरहिट फिल्म बाजीगर के एक सीन में उन्हें बिकनी में देखा गया था। लेकिन काजोल भी बिकनी सीन इसलिए नहीं करती क्योंकि वे खुद को इस लुक में अच्छा महसूस नहीं करती हैं। ईशा देओल का फिल्मी करियर सुपर फ्लॉप रहा है। उन्हें सिर्फ एक ही सुपरहिट फिल्म धूम में देखा गया था, जहां उन्हें पहली बार बिकनी में देखा गया था। लेकिन ईशा के इस बिकनी सीन को भद्दे दिखने के कारण टीआरपी नहीं मिली। बता दें कि ईशा ने शादी कर ली है और अब वे फिल्मों से दूर हैं। फिल्म फुकरे से भोली पंजाबन के किरदार से लोगों की नजरों में चड्ढी एक ट्रेस ऋचा चड्ढा फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज से जानी जाती हैं। लेकिन जब बात आती है बिकनी की तो वे भी कुछ खास नहीं लगती हैं। फिल्म जुड़वा, नाम शबाना जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू वैसे तो बहुत स्टाइलिस्ट और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, लेकिन बिकनी में उनकी सुंदरता पूरी तरह से छिप जाती है। इस कड़ी में बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी का नाम भी शामिल है। 80 के दशक में श्रीदेवी को बिकनी सीन में देखा गया था, लेकिन उनके फैंस को उनका यह अंदाज कुछ खास नहीं लगा। बता दें कि श्रीदेवी का इसी साल 24 फरवरी को दुबई में कार्डियक अटैक से बाथरूम में निधन हो गया था, जिससे उनके चाहने वाले सदमे में डूब गए थे। मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत के पहनावे से तो हर कोई वाकिफ है। वह अक्सर अपने बयान और ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। भले ही वह बॉलीवुड में आइटम नंबर करती हैं, लेकिन बिकनी में वे भी कुछ कमाल की नहीं लगती हैं। आखिर में बात करेंगे फिल्म आशिक बनाया आपने से नौजवानों की नजरों में छाई एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की। इस फिल्म में अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज से तनुश्री ने बड़े पर्दे पर आग लगाकर रख दी थी। इस फिल्म से उनके कई चाहने वाले इकट्ठे हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद तनुश्री दत्ता भी बिकनी सीन में दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई।